हे गाइस, हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग भी बड़ा ही यूनिक है। और अभी टाइम हो रहा है 7:42, दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि फ़ोन अगले कैमरे से बन रहा है। 7:42 हो चुके हैं और मैं फटाफट तैयार हो गया था, देखो, क्योंकि मुझे जाना है कहीं मार्केट। फ़िलहाल मैं दिल्ली में ही हूँ, जैसे कि पीछे आपने ब्लॉग देखा प्रमोद भगत के साथ और नीरज चोपड़ा के साथ, तो अभी फ़िलहाल दिल्ली में हूँ। और ये देखो, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा है क्योंकि इसका मतलब इसी से एडिटिंग वगैरह इसी फ़ोन से होता है, इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक और फ़ोन है, ये दूसरे काम के लिए, और ये पावर बैंक है मेरा, मतलब सारा सामान आप लोगों के लिए ले कर चलता हूँ। ये देखो नीचे लग चुका है और मैं ये देखो रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं। अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने दीदी के घर पे था दिल्ली में, और दीदी का अपना फ्लैट है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाता हूँ दिल्ली का व्यू जो कि ऊपर जा कर के। बाकी कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और चलता हूँ आपको ऊपर ले करके ताकि ऊपर से व्यू दिखे अच्छा, यानी कि दिल्ली का व्यू। ये फ्लैट थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं है इसलिए कम दिख पा रहा है। जहाँ पे पहले रहती थी ना दीदी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दिखता था। ये देखो फिर भी काफ़ी ऊंचा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ऊंचाई भी बहुत कम है क्योंकि इससे भी बड़े बड़े घर बन चुके हैं। ये देखो, और हम कोशिश करेंगे इससे भी ऊपर जाने की। एक और देखा मैंने सीढ़ी, यहाँ से चलते हैं। अब आ रहा है मज़ा, देखो मतलब लगभग लगभग दिख रहा है ना, बढ़िया। तो ये दिल्ली, अभी हम मार्केट में जाने वाले हैं और यहाँ के बाद आपको मार्केट का व्यू दिखाएंगे। बाकी कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए आप। सो फाइनल गाइस, अब हम निकलेंगे मार्केट के लिए और मार्केट कहाँ जाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया। और उसके बाद हमारा मतलब मन है कि दिल्ली हॉट भी जाने का, तो दिल्ली हॉट भी जाएंगे। बाकी देखते हैं बाकी हमारी प्लान क्या बनता है मतलब जाने के बाद। तो चलें, चलो छोटू, ओके बाय। बाकी अभी हमें क्या करना है, बस पकड़ना है, और बस पकड़ने के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा, उधर। और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं मार्केट। और शायद इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिला कि मैं लाल किला मेला भी गया था, मेला लगा वहाँ पर, तो वहाँ भी जाएंगे। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह है। ओके चलते हैं गाइस। दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ सदर बाज़ार, जो कि सदर बाज़ार में देखो क्या क्या मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बिकती है। और मेरे साथ बाकी कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर चीज़ दिखाने वाला हूँ आज जो कि सदर बाज़ार में मिलती है। और ये देखो गाइस, जो कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं। देखो चूड़िया यहाँ पर जो कि सदर बाज़ार में मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। टूथपेस्ट भी है देखो यहाँ पर, हर तरीके की चीज़। और ये सब ना डब्बे यानी कि होलसेल रेट में मिल जाता है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, ये देखिए ये डब्बे सब लगे उगड़े हैं यहाँ पर, बेल्टें हैं। और कितनी भीड़ होती है यहाँ पर। इधर की तरफ अगर दिखाऊँ तो देखो, मतलब ये अभी शायद कोई पूजा आने वाली है, उसकी सारा चीज़ दिख रहा है अभी यहाँ पर। और फिर से देखो इधर पर, ये देख रहे हो, और उस तरफ भी पूरी की पूरी भीड़ लगी पड़ी है। मतलब यहाँ पर बहुत, मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, और गजब तरीके का भीड़ है भाई। ये देखो एक बंदा तो वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा है कि कौन सा वाला लूँ या नहीं लूँ। क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात। ये देखो, दिखा लो भाई, दिखा लो, खास कोई दिखा रहे हो कुछ ना कुछ। तो देखिए इस तरफ, मतलब हर कुछ यहाँ पैकेट में, बंद पैकेट में ही मिलते हैं। मतलब आप पैकेट में हिसाब से होलसेल रेट में ले सकते हो, पूरा का पूरा ले जाओ, बहुत ही सस्ते। यहाँ तो मैंने ये चीज़ सुना, अनार 50 रुपये किलो, भाई गजब हो गया। बाकी यहाँ पे गाइस रेट बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ
तो मैंने यहाँ से परफ्यूम लिया है, और परफ्यूम जो मैंने लिया है 3 का पैकेट था, और 3 पैकेट में वो मुझे पड़ गया 100 रुपये का, यानी कि वो कितने रुपये का पड़ गया, 25 थी या 75, बस आप अपने आप से हिसाब से डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी बहुत अच्छा रेट, जेन्युइन रेट बनता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा दुकान करूँ और सामान यहीं से लेके जाऊँ, क्योंकि भाई मज़ा आता है ऐसे ही दुकान। अच्छा, किलो के हिसाब से? अच्छा, तो ये भी गाइस बहुत ही सस्ता मिलते हैं यहाँ पर, किलो के हिसाब से बहुत ही सस्ता। पता नहीं यहाँ पे इतना सस्ता रेट क्यों है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर हर तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी गजब तरीके का है और बहुत ही अच्छा अजब तरीके का। मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है घूमते हुए, मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ और सोचता हूँ कि आपको भी घुमा दूँ इसके अपने वीडियो के माध्यम से। ये भी देखो, यहाँ पर गिलास भी दर्जनों के हिसाब से बहुत ही सस्ते रेट पे मिलते हैं। और ये देखो, जो आप मेले में 200 के लेते हो ना टैडी, यहाँ पे 25-25 रुपए में मिलते हैं। और ये रहा देखो, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे ना एक बात ऑटो वाला मुझे बता रहा था, मैं आपको भी बता देता हूँ। वो कह रहा था कि भाई ज़्यादा चौड़ा होगा, फ़ोन को मत पकड़, नहीं तो कोई ख़रीद के हाथ में से कोई ख़रीद लेगा जा। तो मुझे तो हंसी आ रही थी एक्चुअली, मैंने ले तो रखा है लेकिन हाथ में पूरा ज़ोर से कस के पकड़ा हुआ है फ़ोन को, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी रेट अच्छा ही होगा डब्बे के हिसाब से यहाँ पर रेट। बस यही है कि मैं रेट पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। मैं कैमरा मार्केट जा रहा हूँ, लाल किला के सामने बिल्कुल पड़ता है चांदनी चौक, वहाँ पर जाना हमें। इसलिए यहाँ का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, हम अभी सदर बाज़ार से बाहर निकल चुके हैं, निकलने ही वाले हैं जैसे आप देख रहे हैं। और भाई अगर सदर बाज़ार में आओ तो अपनी जेब गरम करके आना, मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा लेके आना, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये लेके आना, तभी आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी हो पाएगी। मेरे जैसा मत करना कि 2-3 हज़ार लेके आओ और ख्वाहिशें पूरी ना हो आपकी। किधर जाना हमें, बाहर के? इधर से निकलेंगे, बाहर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। बस कहाँ से मिलेगी? और इधर बाजार, ये बाजार है। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर करते ख़त्म। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।